Hello everyone, assalamu alaikum. This is your boy Mansoor from Pakistan. So kaise hain aap sabhi? Bilkul theek ho gaye? You're watching me on Facebook or YouTube. Acha, Muharram start hue 2 days ho gaye hain, lekin mera aaj aana hua hai. Main thoda sa busy tha life ke andar, to ab na ek Muharram ki ek completely jo hai package, wo kehte hain na series, usko completely jo hai start karte hain. Aur first start karenge Tasbeeh Al Zahra'a se. Ye mujhe na bahut pasand hai. Like I just love this. एवरी टाइम जब भी जो है वही वाली बात है सुनने को या दिल को सुकून देने के लिए वो होता है ना कि आप जो है वो कर लें या मैं सूरह रहमान सुन लेता हूँ या फिर जो है ये सुन लेता हूँ इस तरह की चीज़ें सुन के जो है ना बड़ा जो है इंसान जो है पीसफुली जो अपना मूड जो है स्विच कर लेता है तो इसको रिव्यू नहीं कर पाएंगे उस लेवल के ऊपर क्योंकि जो है सब टाइटल्स आप लोग खुद भी रीड कर लेना आई ट्राई ऑल्सो एक्सप्लेन कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ कि किस तरह है बगैर थोड़ी सी बातें कर लेंगे क्योंकि मुझे ना बड़ा पर्सनली जो है मेरे बड़े क्लोज बंदे ने मुझे मना किया है कि मुहर्रम के जितने भी टॉपिक्स को मैं जो है लेके चलूंगा तो उनको बस जो है एक लिमिट तक जो है करूँगा क्योंकि मैं ना इस मामले में बड़ा थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता हूँ और फिर जो है मेरा जो है मुँह से कुछ भी निकल सकता है तो उसके लिए पहले ही मैं माजरत कह रहा हूँ लेकिन चले स्टार्ट करते हैं अपनी जो है वही वाली बात है सीरीज के पहले जो है स्टार्ट करते हैं तस्बीह अल ज़हरा से ذکر نورانی عاشق ها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلا الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه فاطمه روی لبها نور و قدر و کوثر و طه ذکر نورانی عاشقها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلا الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکوه میدونم که راز شهادت این عشقو رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا الحمدلله که نوکرتم الحمدلله که مادرمی الحمدلله از بچگی ها مادر سایه از غصه ها چشم عاشقا شده دریا روزه بعد نماز ما تسبیحات حضرت زهرا سبحان الله با بهشت و دور سبحان الله از لحظه غروب سبحان الله پیش چشم علی آیه های کوثر شده کبود صلی الله Sallallahu alaihi wasallam
इससे ना स्टार्ट लेने का, इसको रिव्यू करने का ये था कि मेरी ना लाइफ के सबसे बेस्ट जो मुझे कलाम लगता है ना, उसमें से सबसे वन ऑफ द बेस्ट, इसके ना ईच एंड एवरीथिंग लाइक सो बैलेंस्ड, हर चीज, और हर चीज वही वाली बात है कि अपनी माँ से और अपने बाप से जो है ना फरियाद करते हुए सारी चीजें डिफाइन की जाती है। अच्छा, इस चीज का ना इंट्रोडक्शन ऐसा दे लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, अगर इसमें देख लेना। आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ना, मेरा जितना भी टाइम गुजरा है ना वो अहले तशरीहों के साथ बहुत ज्यादा गुजरा है। माई सेल्फ इज मंसूर काजिम, बट पीपल जो है वही वाली बात है, नोन मी एज काजमी, दे सेड कि आप सैयद हो काजिम। मैं काजमी नहीं हूँ, मेरा नाम काजिम है। ये फर्स्ट टाइम आई गेस जो है मैंने जो है रिवील किया। सेकंड थिंग ये कि मेरा जो है ना वही वाली मैं ब्रॉट अप जो है और बचपन जो गुजरा ना, एक हमारी आंटी होती थी, इंडोनेशियन थी बट वो एले तशरी थी, उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, और मजलिस से हो गई और ये क्या कहते हैं आपके जो है इमाम बार गए, इधर जाना मेरा जो है मोस्टली बहुत ज़्यादा शाम गरीबा पे इस साइड पे, तो मैंने ना बड़ा कम वही वाली कहते हैं ना बड़ा क्लोज जो है शियोंग से होके मैं जो है वही वाली बात है साइड पे आया हूँ, तो मेरे जो वो एक सेंटिमेंटल है ना इनके साथ तो वो है, हमेशा से था, है, रहेगा। और क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, हम सारे के सारे जो है अहले बैत के जो है मानने वाले, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना जो है उससे बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब हमारे नबी अपने आखिरी खुतबे के अंदर फरमा सकते हैं ना कि ये कुरान की किताब है, ये अल्लाह ताला की, इसको थाम लो, हदायत पे रहो के, और जिसका मफहूम वगैरह बता रहा हूँ। और सेकंड थिंग के अहले बैत इनके साथ जो है वही वाली बात है, इनके साथ जो है नरमी से पेश आना, और तो हम लोगों ने क्या किया वो हम सब जानते हैं। ये महीना जब शुरू होता है, एक शोक का महीना, लाइक हम कुर्बानियाँ दे के खुश होते हैं, लाइक सेक्रीफाइस किया होता है, हम बहुत खुश होके आते हैं कि हमने जो है बड़ी ईद मनाई है, लेकिन उसके बाद क्या किया गया, किस तरीके से बुलाया गया, वही वाली बात है, नबी के खानदान को किस तरीके से जो है गर्दनें काटी गई, कितने कितने वही अगर हम लोग उस चीज को ले लें तो कितने कितने छोटे बच्चे जिसके गले के अंदर तीर मारा गया, तो ये एक बहुत जो है ना लंबी स्टोरी है। वो चाहते तो वो भी जो है अपनी जान बचाते और अपने आप को जो है वही वाली बात है यजीद के आगे सरेंडर कर देते, बैत कर लेते, खत्म हो जाती, लेकिन बात वही है कि इस्लाम को लेके चलना था मेन चीज ये थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले बता दिया, क्योंकि वो एक सहाबी है, मुझे उनका जो है नाम नहीं याद, उन्होंने ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है बाल बिखरे हुए हैं और उनके हाथ में एक वही वाली बात है शीशे की बोतल है। तो उन्होंने पूछा कि यार रसूलल्लाह मेरी जो है वही वाली बात है वालदैन आपके ऊपर जो है कुर्बान, आपकी हालत को क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया कि मैं करबला में से ना शहीदों का खून जमा करके आ रहा हूँ। तो वो फिर साहबी कहते कहते हम लोगों ने ना उस डेट को जो है याद रखा, और उस डेट को हमने काउंट करना आगे शुरू किया, और जब काउंट करना शुरू किया एग्जैक्ट उसी दिन जो है हजरत इमाम हुसैन को जो है शहीद किया गया 10 मुहर्रम को। और ये जो है अगर इसके कॉन्टेक्स्ट अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मोस्टली मैं सुनता हूँ अली इंजीनियर मिर्जा साहब को, तो उनके उसमें से मैंने ये सारा का सारा बयान जो है सुना था। तो बस हमारी जो है वही वाली बात है, फर्स्ट जो है रिएक्शन हो गया, स्टार्ट हो गया हमारा जो है मुहर्रम सीरीज, और कोशिश करेंगे कि 8, 9, 10 ये 3 जो दिन है ना, कोई पुराने जाकिर जो है हमारे उनको बैठ के सुनेंगे, उनसे शाने गरीबा जो है 3 दिन की जो मजलिस लगेगी वो कोशिश करूंगा कि पूरी की पूरी जो है उसको रिव्यू करके यहाँ पे अपलोड करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोग भी सुने, मैं भी सुनूँ। नकवी साहब थे हमारे वो जिनका बहुत मजाक उड़ाया था, मैं ये नहीं होगा वो लड्डन जाफरी अलग, पर्सनली वो मुझे अच्छे लगते थे और बड़ा मजा आता था उनको सुन के, तो मैं तो ट्राई करूंगा कि उनकी जो है शाम गरीबा को लेके चले 8, 9, 10 की। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाजमी सब्सक्राइब करें, और दिल ना बड़ा अजीब सा हो जाता है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बहुत एग्रेसिव भी हूँ, और मुझे पर्सनली मना किया गया मेरे घर के अंदर से कि ज़्यादा इसको लाउड लेके नहीं चलना, बस रिव्यू करो, रिव्यूज़ करो और ख़त्म। कल देखते हैं जो है, कल कोशिश करेंगे, मेरा तो दिल है कि जो मेरे पुराने पुराने थे ना जो हमारे बचपन के जो है नोहा जो पढ़ते थे उनको लेके, जैसा नदीम सरवर हो गए, ठीक है वो बल्तिस्तानी है उनका मुझे नाम नहीं आता, फरहान वगैरह, इन लोगों को जो है बैठ के सुनेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के साथ मैं भी इधर ही हूँ, बस मैं कैमरे की तरफ इसलिए नहीं देख पा रहा, मुझे रोना बड़ा आ रहा है यार, तो इसलिए मैंने नीचे देख के जो है आज ये मेरा पहली दफा जो है कॉन्फिडेंस के बगैर नीचे देख के मेरा ये वाला रिव्यू निकल गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बस अपना ख्याल रखें और
जितना हो सके एक दूसरे की मदद करें, तो कहे अल्लाह ताला बेहतर करे सबके लिए। और दुआओं में बस याद रखें आप मुझे भी, और मैं आप तमाम लोगों को जो है दुआओं में इंशाल्लाह याद रखूंगा। तो फर्स्ट जो है वही वाली बात है, हमारी सीरीज का जो है फर्स्ट जो है स्टार्ट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।